कहीं न कहीं सभी धर्मों की शुरुआत आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में हुई, पर अपने को संगठित करने की उत्सुकता में उनकी मूल बातें खो गई। धर्म क्या है? वो आध्यात्मिकता जो खराब हो चुकी है। आइए हम धर्म और आध्यात्मिकता के बीच के अंतर को समझें। जब आप अपने आप को किसी धर्म के साथ जोड़ते हैं तो आप अपने आप को विश्वास करने वाला घोषित कर देते हैं, पर जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ ऐसा आप कहते हैं तो आप अपने आप को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहते हैं। तो विश्वास करने और जिज्ञासा करने, जानने, खोजने में क्या अंतर है? आप सिर्फ उसी चीज को खोज सकते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं। या दूसरे शब्दों में खोजने जानने की प्रक्रिया की मूल बात यह है कि आपने ये समझ लिया है कि आप अपने जीवन का मूल स्वभाव नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। आप जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप मैं नहीं जानता की अवस्था में हैं, आप किसी के साथ झगड़ेंगे नहीं। आध्यात्मिक प्रक्रिया में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने ही साथ पूरी तरह से ईमानदार हों और ये स्वीकार करने को तैयार हों कि मैं जो जानता हूँ वो जानता हूँ और जो नहीं जानता वो नहीं जानता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा, चाहे कृष्ण, जीसस, बुद्ध या और किसी ने भी कुछ भी कहा हो सकता है कि वे सत्य ही कह रहे हों और उनके लिए हमारे अंदर पूरा सम्मान है, पर आप नहीं जानते, आपने इसका अनुभव नहीं किया है, आपने इसे देखा नहीं है। आप पूरी तरह से ईमानदार क्यों नहीं हो सकते कि आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता, इसमें एक जबरदस्त संभावना है। यही है जानने का आधार। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप नहीं जानते, तभी जानने की संभावना खुलती है। जैसे ही आप इस संभावना को अपने विश्वास से, जो आपके लिए सुविधाजनक है, तोड़ देते हैं, तो आप जानने की सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। आप ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं या अपने चारों ओर देखते हैं, इससे आपके लिए कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू नहीं होती। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप अंदर की ओर देखते हैं। अंदर न तो उत्तर में है, न दक्षिण, पूर्व या पश्चिम में। जो अंदर है उसका कोई आयाम नहीं है। बिना आयाम की चीज तक वही पहुंच सकता है जो अपने अंदर एकदम ईमानदार हो। दूसरों के लिए ईमानदार होने को मैं आपसे नहीं कह रहा, इसमें बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। मैं तो आपसे खुद के साथ ईमानदार होने के लिए कह रहा हूँ। क्या आपको यह एक चीज अपने साथ ईमानदारी नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।